हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ निधि, आप सबका वेलकम करती हूँ निधि किचन लाइफस्टाइल चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में जो मैं आपके साथ रेमेडी शेयर कर रही हूँ ना, ये आपके सफ़ेद बालों को बिल्कुल जड़ से काला बना देगा। किसी भी उम्र में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अभी सर्दियों का मौसम है और ऐसे में मेहंदी लगाना और घंटों भर बैठना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लग जाती है सर्दी। तो आप अपने सफ़ेद बालों को इस तरह से बिल्कुल ब्लैक कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, बिना मेहंदी के इस्तेमाल से, बिना आंवला के इस्तेमाल से। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। पास ही दिखेगा एक छोटा सा बेल बटन, उसे दबाना ना भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आते रहेगी। वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस रेमेडी को आप दाढ़ी मूछों पर भी लगा सकते। तो दोस्तों, इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको एक चम्मच इतना ये मैजिकल पाउडर लेना है। ये जो मैजिकल ब्लैक पाउडर है, इसे हम बोलते हैं चारकोल पाउडर। ईजली आपको मार्केट में मिल जाएगा, घर पे भी। मैं कितनी बार आपको बता चुकी हूँ कि आप कोकोनट शेल से बना सकते हैं, कोकोनट के छिलके से बना सकते हैं, प्याज के छिलके से बना सकते हैं। और ये जो है ना, ये आपको पक्का कलर देता है बिल्कुल नेचुरल तरीके से। आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, बहुत ही सस्ते में मिल जाता है। अब यहाँ पे आपको ले लेना है एक चम्मच इतना एलोवेरा जेल। मार्केट वाली ले या आप फ्रेश भी निकाल के जेल यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। बहुत अच्छा काम करता है ये जो रेमेडी है दोस्तों। अब यहाँ पे जो मेन हमें ऐड करना है वो है आलू के क्रश करके यहाँ पे उसके जूस को हमें ऐड करना। मैं ग्रेट कर ली थी दोस्तों, आप चाहे तो आप मिक्सी में ग्राइंड भी कर सकते हैं, पीस सकते हैं। और उसके जूस, बेसिकली हमें उसका जूस चाहिए, क्योंकि आलू जो है ना, वो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा काम करता है, एक पक्का कलर देता है हमारे बालों को। और इस तरह से आप जूस मिला के अपने बालों पे लगाएंगे ना, तो दोस्तों आपको फ़र्क एक बार में ही दिखने वाला है। बस इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करना है, नहाने से पहले आपको इसे लगा लेना है। उसके बाद आपको आधे घंटे के लिए रहने देना है, फिर आपको वॉश कर लेना है। दोस्तों, उस दिन आपको केवल पानी से वॉश करना है, नेक्स्ट डे आपको शैम्पू करना है। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपके बहुत ज़्यादा सफ़ेद बाल है ना, तो हफ्ते में 2 से 3 बार इसे ज़रूर लगाइएगा। धीरे धीरे आपको और कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके बाद आपके सफ़ेद बाल बिल्कुल गायब हो जाएंगे। तो देखिए, ये मिक्स करते ही बिल्कुल ब्लैक कलर का हो गया। इसी तरह आपके सारे बाल भी हो जाएंगे और बालों में सिल्कीनेस भी आ जाएगी, शाइनिंग भी आ जाएगी और हेयर ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो दोस्तों, सर्दियों में अभी मेहंदी और इंडिगो, आंवला सब लगाने से आप बच सकते हैं। बस इसे लगा ले, बहुत देर तक आपको बैठना भी नहीं है और ठंडी भी नहीं लगेगी। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, ये जो रेमेडी है ना, ये आप अपने बच्चों को भी लगा सकते हैं। इसका कोई भी नुकसान नहीं है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। नहीं तो ये आपके स्किन पे कोई नुकसान पहुँचाने वाला है, नहीं आपके आईज पे नुकसान पहुँचाने वाला है। ये जो रेमेडी है ना, इसे मैं खुद ट्राई की हूँ, बहुत अच्छा रेमेडी है ये। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि इस रेमेडी को आप आँख बंद करके इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये थी आज की वीडियो, होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।